नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग के राजा राहु, जो मायावी ग्रह माने जाते हैं, जिनका वर्तमान के समय में बहुत ही व्यापक प्रभाव है। यही राहु 16 अगस्त 2024 को नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, राहु देवता 16 अगस्त 2024 को उत्तरा भाद्रपद यानी शनिदेव के नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करने वाले हैं और ये 10 जनवरी 2025 तक ये शनि के नक्षत्र चरण में ये प्रभावी रहने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, राहु देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु देव को मायावी ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह की छाया इनको मानी जाती है, इसलिए शनि के जैसा परिणाम भी राहु देने के लिए जाने जाते हैं। राहु की कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई राशि नहीं है, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी जरूर माने जाते हैं। एक राशि में राहु 18 महीने तक गोचर करते हैं और ये उल्टी चाल हमेशा चलते हैं, वक्री चाल चलते हुए एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों, इनके जो फल होते हैं दर्शकों बहुत ही सकारात्मक होते हैं। देखिए, बलवान राहु के प्रभाव से जातक के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो योजनाओं की आवश्यकता होती है, ऐसी योजनाएं जातक के मन में चलने लगती है। राहु की महादशा हो और राहु का जन्म कुंडली में अच्छा प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति रंक से राजा तक का सफर तय करता है। बलवान राहु के प्रभाव से तीव्र बुद्धिमता यानी बौद्धिक क्षमता की प्रबल बढ़ोतरी हो जाती है। अपने आप को व्यक्ति साम दाम दंड भेद ये चारों नीतियों का प्रयोग करके बलवान बनाने की कोशिश करता है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बलवान बनने की कोशिश करता है और उसे सफलता भी जीवन में मिलती है। राहु का अगर कुंडली में बली प्रभाव हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। यही राहु अगर जन्म कुंडली में नेगेटिव हो जाए, पीड़ित अवस्था में विराजित हो जाए, देखिए सबसे पहले तो ये कई प्रकार की बीमारियां देते हैं। राहु अगर किसी भी ग्रह के द्वारा दुष्प्रभावित हो तो शरीर में जलन होने लगती है, ऊंचाई से गिरने की समस्या बनी रहती है, पैरों का रोग, चमड़ी से जुड़ा हुआ रोग, शरीर में दुर्बलता, और ऐसा व्यक्ति मादक पदार्थों का यानी बुरे मादक पदार्थों का सेवन भी करता है। शराब का, मांस का, धूम्रपान का, इन सभी चीजों का ऐसा व्यक्ति सेवन भी करने लगता है। राहु का अगर पीड़ित प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में तो समस्या मिलती ही है, वैवाहिक जीवन में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ है। राहु का पीड़ित प्रभाव होता है तो व्यक्ति अकेले में बैठकर स्वयं से बातें करता हुआ पाया जाता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं, जब कुंडली में राहु पीड़ित हो तो राहु की शांति करा लेनी चाहिए। राहु से जुड़ा हुआ उपाय करके इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने जा रहा है। ये जो जानकारी है दर्शकों, आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों 16 अगस्त 2024 को
राहु आपके पंचम घर में नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं और ये शनि के नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे, तो शनि देव आपके फोर्थ हाउस यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, पूर्व पुण्य के बारे में और कुंडली के पंचम भाव से गर्भ धारण की क्षमता का विचार करते हैं, शास्त्रों का विचार करते हैं, मन में या व्यक्ति के विवेक में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है इसका भी विचार किया जाता है। तो इसी भाव में राहु की मौजूदगी बनी हुई है। देखिए, राहु की जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, सातवीं दृष्टि वृश्चिक राशि के लाभ भाव पर जाने वाली है और नवम दृष्टि स्वयं वृश्चिक राशि के ऊपर भी पड़ने वाली है। यहां पर आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता आपको प्रदान करने वाले हैं। देखिए, यहां पर आपके जीवन में प्रभावी रहेंगे तो सबसे पहले राजनीति के क्षेत्र में जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों का जुड़ाव है उनको शुभता मिलने वाली है। करियर वाइज यानी करियर के क्षेत्र में यदि आप राहु से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आईटी फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बिजली का काम यानी बिजली विभाग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अनुसंधान तामसिक पदार्थों से जुड़ा हुआ काम, मशीनरी का काम, दवाई निर्माण का काम, अंतरिक्ष वायुयान से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या इस समयावधि में विदेश में आपका कोई भी कार्य व्यवसाय चल रहा है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को प्रबल शुभता यहां पर मिलने वाली है। उसके साथ साथ राहु की सप्तम दृष्टि जो है वो आप बुध की राशि और आपके इलेवंथ हाउस में पड़ने वाली है। ये जो प्रभाव रहेगा ये आपके जीवन में धन की प्रॉब्लम समाप्त करने वाला है। यानी वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से आर्थिक तंगी की वजह से अपने आप को लगातार निराशा में महसूस कर रहे हैं और आपके घर में भी समस्या लगातार बनी हुई है, या इसको इस प्रकार से भी कहें, यदि किसी प्रकार का लोन वगैरह आप लिए हुए हैं, कर्जा वगैरह यदि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं ये कर्जा समाप्त हो जाए, तो आपके जीवन में यहां पर राहु पंचम घर में जो मौजूद हैं ये आपके जीवन में अचानक बड़े लाभ के अवसर भी आपको देने जा रहे हैं। यानी जातकों, आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ अवसर भी आपको यहां पर राहु के प्रभाव से मिलने वाला है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इनके नवम भाव पर जा रही दृष्टियां जो है वो आपके जीवन में धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान भी बढ़ा सकती है, लेकिन आपके लगन के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ने वाली है। ऐसे में रिश्तों को लेकर आप काफी ज्यादा रिश्तों को नजरअंदाज कर सकते हैं और इसकी वजह से आपको समस्याएं भी मिल सकती है। इसलिए जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो या वैवाहिक रिश्ता हो, दोनों रिश्तों में आपसी तालमेल और दोनों रिश्तों में समन्वय का भाव यदि आप लेकर चलते हैं तभी आपके जीवन में आपकी स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन से व्यथा के वैचारिक दोषों को दूर करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का झगड़ा या लड़ाई, इन जैसे विचारों को यदि आप पालते हैं या लेकर चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही बुरा है। और चूंकि राहु देव भी अपना प्रभाव डालने वाले हैं, दृष्टियां आपके राशि में ही डालने वाले हैं, ऐसे में यहां पर ये सारी विचारधारा आपको लेकर नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा इसका बुरा रिजल्ट मिल सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में जातकों को समन्वय जरूर रखने की आवश्यकता अभी रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक दोनों जीवन में आपको काफी समन्वय रखना है। ये पंचम घर में विराजित हैं, ऐसे में मादक पदार्थों का सेवन करेंगे या इस समयावधि में गलत खानपान को यदि आप अपनाने का प्रयास करते हैं तो आपको बुरा रिजल्ट भी मिल सकता है। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों को हम उपाय की जानकारी देने वाले हैं। अभी हमने आपको कुछ आदतों के बारे में बताया जो राहु के पीड़ित प्रभाव को बढ़ावा दे देती है। जिस प्रकार आपने कहावत सुनी होगी कि करेले का पौधा नीम के ऊपर चढ़ा,
ठीक है, कहते हैं एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी करेला कड़वा पहले से ही था, जब वो नीम के ऊपर चढ़ा तो और भी ज्यादा कड़वा हुआ। ऐसे में राहुदेव मादक पदार्थों का सेवन करवाने लगते हैं जब बुरा प्रभाव देते हैं। ऐसे में जानबूझकर यदि आप क्रोध करते हैं या रिश्तों में, हमने अभी आपको बताया रिश्तों को नजरअंदाज या ईर्ष्या का भाव लेकर यदि आप चलते हैं तो ये ईर्ष्या का भाव राहु का पीड़ित प्रभाव लक्षण है। ये इस भाव को लेकर चलेंगे या मादक या बुरे पदार्थों का यदि आप सेवन करेंगे तो इससे आपको जीवन में नेगेटिविटी मिल सकती है। आप राहु की पॉजिटिविटी को नहीं ले पाएंगे, नेगेटिव प्रभाव को ज्यादा ले पाएंगे, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए हमने आपको पूर्व में ये सब बातें कही। और उसके साथ साथ दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को, चूंकि शनि जन्य ढैया भी आपके ऊपर प्रभावी है, ऐसे में समय का दुरुपयोग से आपको जीवन में बचना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट मिले तो समय का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना करिए। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके जीवन में शुभ रहने वाला है, क्योंकि राहु देव की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता दुर्गा मानी जाती है। साथ में इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखिए, यदि आप गरीबों में, जरूरतमंद लोगों में इन चीजों का दान करते हैं तो शुभता आपको मिलेगी। जैसे यदि आप कंबल, जौ, मूली, गेहूं, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप रविवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में श्रेष्ठता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।